बिहार है, उनको तो इतना समझ होना ना चाहिए जो ये लोग खेला करना चाहते हैं। जंगल राज, जंगल राज। हम तो कल पूछे कौन सा तिलिस्म है भाई तुम्हारे पास। When BJP is in, it's मंगल राज। When BJP is out, it's जंगल राज। कुछ चैनल जो है सूत्र के हवाले से चलाते हैं, लेकिन वो वेरीफाई क्यों नहीं करते हैं? अब जरा पूछिए ना खट्टर जी पर कब रेड पड़ेगा। पूरा वीडियो चलाओगे? है हिम्मत? सीबीआई, ईडी और कुछ सूत्र वाले पत्रकार चाहेंगे कि नाम बदनाम कर दे तो समझ जाइए बिहार है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, आप सब लोगों को इसलिए यहाँ न्योता दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आप सब लोग शांत रहिए सब, शांत रखो इन लोगों को कह ला। सभी लोगों को इसलिए बुलाएगा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सब लोग जान रहे हैं कि कल सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के कई जगह रेड पड़े और ख़ास तौर पे उस दिन रेड पड़ा जिस दिन हम लोगों को बहुमत सिद्ध करना था। ये रेड क्यों पड़ा? आदरणीय लालू जी रेल मंत्री रहे यूपीए वन की सरकार में, 2004 से 2009 तक यानी 5 साल रेल मंत्री रहे। लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, कई कारखाने दिए, कई हार्वर्ड एनसीआर के लोग जो हैं वो लोग आए पढ़ने, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। और आज 2022 है, यानी एक एफआईआर सीबीआई करती है, वो एफआईआर का जो तारीख है वो 18 मई 2022। ध्यान से सुनिएगा डेट का, 18 मई 2022। यानी जिसने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया और ये ज़मीन नौकरी का केस बना करके 18 मई 2022 को, यानी लगभग 14-15 साल हो गए हैं, अब सीबीआई जागी है, समझ रहे हैं ना, 15 साल बाद। और कल रेड पड़ा और कुछ चैनल सूत्र के हवाले से ये बताया जा रहा है कि गुड़गांव में सेक्टर 71 में एक कंपनी है वाइट लैंड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसका एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में मॉल का निर्माण किया जा रहा है, उस क्यूब करके, अर्बन क्यूब करके वो मॉल का प्रोजेक्ट है जो किया जा रहा है। और कुछ सूत्र के हवाले से मीडिया ये चला रहे हैं कि भाई ये तेजस्वी का है, ये भी चलाया जा रहा है कि इसमें तेजस्वी पहले शेयर होल्डर थे स्पष्ट, और यहाँ रेट पड़ा। हमने जांच की और आजकल जांच करना बड़ा आसान है, वेरीफाई किया, भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये नाम कैसे चल रहा, कौन है इसके डायरेक्टर, कौन है कंपनी का मालिक, कौन है शेयर होल्डर, पता हमने किया तो ऑनलाइन तो सब कुछ मिल ही ना जाता है। जब ऑनलाइन किए तो हमने साफ तौर पे ये देखिए, ये है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी वाइट लैंड कॉरपोरेशन कंपनी जब बनी उसका ये सर्टिफिकेट है, देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मोदी जी के सरकार का ही जो भारत सरकार है उसी का इनकॉर्पोरेशन कंपनी का सर्टिफिकेट है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं डिटेल, ये इसमें डेट देखिए, ये कंपनी कब बनी, 12 फरवरी 2021। हम चाहेंगे कि हाईलाइट करके दिखाया जाए 12 फरवरी 2021। और दूसरा चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, इसमें स्पष्ट हो गया कि कंपनी कब बनी,
यानी 21 में बनी। और हम आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जो कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये देखिए लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। इसमें डायरेक्टर में दो डायरेक्टर हैं, एक वीरेन मेहता और दूसरे कृष्ण कुमार, और दोनों हरियाणा के हैं, हरियाणा के, साफ साफ आप लोग दे सकते हैं। अब तीसरा डॉक्यूमेंट हम आपको दिखाना चाहते हैं उसी कंपनी का, जो कहा जा रहा है कि शेयर होल्डर है, हम शेयर होल्डर, 21 में कंपनी बनी, अगर हम थे तो मेरा शेयर होल्डर का लिस्ट दिखा दीजिए। तो उसमें पहला जो नवदीप है उनका जो है सबसे ज्यादा शेयर है 90,000 का, ये तकरीबन ये 9 लाख, 90 टोटल अमाउंट देखिएगा 90 लाख का है। और दूसरे आत्म प्रकाश है उनका जो है 10 लाख का है। और इसमें डेट देखिए ऊपर 31/3/2021, और कंपनी भी 21 में ही बनी। अगर हम शेयर होल्डर थे तो मेरा नाम कहाँ है। अब एक और सर्टिफिकेट हम आपको दिखाते हैं जो July 1, 2022 में जो है तकरीबन 1,05,000 यानी 1,05,000 शेयर फिर से नवदीप जो है वो ले लेते। तो इसमें तो स्पष्ट है, यानी टोटल आप देखिएगा तो जो 100% अगर शेयर होल्डर की बात आती तो उसमें तो हम है ही नहीं, जब कंपनी बनी तब ना अब। और ये मेरा कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। अब हम आपको नवदीप नाम याद से रखिएगा, वही मालिक है, सबसे ज्यादा शेयर होल्डर, हरियाणा के रहने वाले। अब हम आपको दो वीडियो दिखाना चाहते हैं, एक एक करके हम चाहेंगे अपने ऑपरेटर को कि पहला वीडियो दिखाइए अपना खट्टर साहब। आप सुबह से चिंतन कर रहे हैं और चिंतन में स्टेक होल्डर्स है वो तो नहीं है, क्योंकि आज का चिंतन आगे होगा इसका और इस नाम से इसको बनाया है सर्वोत्तम सर्वोत्तम इसका व्हाइट लाइन का पीछे देख सकते हैं नाम लिखा हुआ। ये इनका बयान है, अब हमी लोगों पे FIR कितना, 2.5 दशक से तो हम छापे देख रहे हैं। अरे जेल में बंद करना, सीधे ले जाओ ना जेल में भाई, सब सब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दो, बंद कीजिए, हमारी जनता लड़ाई लड़ेगी हमारे लिए इन जमाइयों से, क्योंकि भाजपा में तो ताकत है नहीं, जमाइयों को आगे कर देती है। अब तो असली डर 24 का है कि भाई अब तो महागठबंधन हो गया, एक पार्टी छोड़ करके सब बिहार में सब एक हो गए हैं, तो 40 का 40 इस बार महागठबंधन जीतेगी, ये डर है। और ये सिलसिला ये फिर करेंगे, ये इतनी बेशर्मी पे आ गए हैं, अपना हद पार कर दिए हैं कि ये सिलसिला चलता रहेगा। अब हम इनके नेता कुछ भी आरोप लगाते रहे, हम तो सबूत देते हैं, सबूत एविडेंस पे बात करते हैं। तो सब लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, ये बिहार है,
सब लोगों को बता देना चाहते हैं, बिहार में जबरन कोनो काम ना होला, डरवा के सीबीआई ईडी या कुछ सूत्र वाले पत्रकार चाहेंगे कि नाम बदनाम कर दे तो समझ जाइए बिहार है सब कुछ ठीक ठाक कर देता है, चिंता ना करिए। अभी तो शुरुआत है ना, ये लोग अपना लीला दिखा रहे हैं। जनता जब अपना आंदोलन शुरू करेगी, हमारी लड़ाई लड़ेगी, तब इन सब को बुझा जाएगा। तो भैया आप सब लोगों से, कुछ जो लोग हैं, हम तो सबको नहीं बोलते, कुछ जो सूत्र चला ही ना रहा है, बताइए चलाया कि नहीं चलाया। एक जगह चला दिया कि सुनील सिंह के यहाँ जो MLC है करोड़ों रुपया निकला, मशीन ले जाया जा रहा गिनती के लिए। अरे भाई क्या मजाक है यार, मतलब कुछ भी। और ये भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। एने ओने जो कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, वो समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखें। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, इसमें 200 डीट का हो गया, धमकी दे रहे हैं, मतलब एक तरह से गुंडागर्दी चल रही है। अब CBI वाले, हमको हमारे सूत्रों से पता चला है कि मारपिटाई भी कर रहे हैं। कुछ न्यूज चैनल के सूत्र कह रहे हैं कि भोला जी ने बताया है। अरे भाई ब्लफ खेल रहे हैं लोग, ब्लफ खेल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से अपने आंकाओं को खुश किया जाए। और जो जांच आयो कर रहा है इस केस को, जो रजिस्टर किया, उसका प्रमोशन हो जाता है भैया, वो DSP बन जाते हैं। क्या हो रहा है इस देश में भाई, ये संवैधानिक संस्थानों को नष्ट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। ये कौन है ऑर्डर देने वाला, 15 साल बाद CBI जो है वो जागती है लालू जी पे। बताइए इससे पहले रेलवे नुकसान में था कि नहीं था, लालू जी से पहले 90,000 का मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हम पे जांच होती है, माल्या जी पे भगा दिया जाता है, हमको लुकआउट नोटिस होती है, मोदी जी, नीरव मोदी जी पर होती है, भगा दिया जाता है, ललित मोदी जी घूम रहे हैं इधर से उधर, मेहुल चौकसी घूम रहे हैं, कोई अता पता नहीं भैया, बोल दिए पहले। आप देखिएगा दूसरा, 10 लाख करोड़ रुपया का कुछ नहीं होता भैया, ड्रग्स मिलता है 1,000 करोड़ का एक जगह, कोई एक्शन नहीं ली जाती है। और आप बताओ जो ग्रुप डी में जो बहाली जिनकी हुई है, जो गरीब परिवार से ही ना है, वो गरीब परिवार के लोगों को तंग किया जा रहा है, और हमारे सूत्रों के हवाले से खबर मिली उनके साथ मारपीट भी की गई है। क्या CBI वालों के माँ बेटे नहीं हैं, उनका परिवार नहीं है, क्या वो हमेशा CBI ऑफिसर रहेंगे, क्या वो रिटायर्ड नहीं होंगे, क्या सत्ता में हमेशा एक ही की सरकार रहेगी? क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से। आप संवैधानिक संस्था के जो काम, जो दायित्व मिला है उसको निभाइए ईमानदारी से। और आप बताइए, आप तब से अब तक हम लोगों ने पूरे परिवार ने ना कॉपरेट किया है, सभी जांच एजेंसियों के हर न्यायालय के आदेश को ना माना है, कहीं कुछ गलत किया है हम लोगों ने इस बात का कि कुछ चैनल जो है सूत्र के हवाले से चलाते हैं, लेकिन वो वेरीफाई क्यों नहीं करते हैं? जब हम वेरीफाई कर सकते हैं 1 घंटे में, तो आप कुछ मीडिया चैनल क्यों नहीं कर पाओ? इससे नाम किसका खराब है? जो हमारे छवि को नुकसान हुआ है उसका जिम्मेवार कौन होगा? और अद्भुत बात यह कि जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है उसका जांच देख लीजिए कैसा होता है। CBI को तो धन्यवाद हमको करना चाहिए कि जो इतने दिनों से लगे हुए हैं
वो गए थे मेरा मॉल पकड़ने, हम जो हकीकत है सबूत के साथ भाजपा का ही मॉल पकड़ दिए। क्या बात है भाई, भिवानी के सांसद भाजपा के, गुरुग्राम की मेयर भाजपा की, मुख्यमंत्री हरियाणा का भाजपा का तारीफ कर रहा है। हमने इसीलिए कहा ना कल कि ये तीन जमाई है भाजपा के, कौन कौन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। कल ही छापा पड़ा, जो 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया उस पर कार्रवाई, झूठा मुकदमा, बेइज्जत किया जा रहा है, बदनामी की जा रही है, और जो रेलवे को बेच रहा है, देश की संपत्ति को बेच रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मेरा सवाल पूछा जाएगा, क्या क्या सीबीआई में हिम्मत है, औकात है कि वो खट्टर जी पर मुकदमा करेंगे और जांच करेंगे, भाजपा सांसद पर मुकदमा करेंगे, जांच करेंगे, एमएआर पे भाजपा के, क्या हिम्मत है सीबीआई को, किसको है? या हम चैलेंज देना चाहते हैं वो न्यूज चैनल जो सूत्र के हवाले से जो न्यूज पड़ोसते हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं, अगर गृह मंत्री प्रधानमंत्री के नाम से अगर हम बोल दे या उनका सूत्र बोल दे कि ताज कोलाबा उनका है, तो सूत्र के हवाले से उन मीडिया चैनलों की हिम्मत है कि वो चला दे? अरे भैया कहाँ जा रहे हैं? अगर मेरा मॉल है तो उन मीडिया हाउसेस के मालिकों को जिसके लिए वो ये न्यूज पड़ोस रहे हैं, टीटीएम कर रहे हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि भैया आधा आपको दे देंगे मॉल और आधा हम गरीबों में बांट देंगे और कुछ जो बचेगा सीबीआई के लोगों को दे देंगे, अगर है तो। क्या मजाक बना रखा है इस देश का, बदनामी। और आपको हम बता देना चाहते हैं ये सीबीआई के लोग क्या कर रहे हैं भाई, ईडी इनकी एजेंसी ही सूत्र का लोग चलाते हैं, हमारे सूत्र जो गरीब, जो 2005 में जिसकी बहाली हुई, अगर 2015 में जमीन बेचता है तो उसको अरेस्ट करके उसकी पिटाई की जा रही है, लालू जी को अभद्र गाली से पड़ोसा जा रहा है, गाली दी जा रही है, और यह बोला जा रहा है कि कोई भी जिनके यहां भी कल रेड पड़ा है, कोई भी हो, उनको यह बोला जा रहा है कि लालू जी से अगर संबंध रखोगे तो तुमको अरेस्ट कर लेंगे, और लालू जी को अभद्र गालियां दी जा रही है उनके सामने, और यह बोला जा रहा है हमको ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। और आप कुछ मीडिया हाउस ये भी चला रहे कि भाई 200 डीड मिला, 200 डीड मिला, कितने यहां रेट पड़ा पूरे देश भर में, लगभग 50 से ऊपर, मान लीजिए 50 से ऊपर। आप मीडिया के भाई एक होंगे, अगर आप हम आपके घर चलेंगे अभी तो आपके घड़वा का कागज होगा कि नहीं होगा आपके पास? अरे एक कट्टा में होगा, दो कट्टा में होगा, एक प्लॉट में होगा, दो प्लॉट में आप घर बनाएंगे तो 2 डीड होगा, तो अगर आप 50 भी कीजिएगा तो 100 डीड तो ऐसे ही हो गया। आई लोग गए कहाँ, मॉल में, वो भी भाजपा के मॉल में, वहां कितना बड़ा एकड़ जमीन होगा, कितना डीड होगा। ये मेडिकल कॉलेज के जो स्थापना किए हैं कटिहार के, इतना अच्छा काम किए बिहार में, एक इतना ऐतिहासिक ये संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था है, वहाँ छापे मारे जाए, वहाँ का कागज उठाया जा रहा है, तो वहाँ का कितना कागज होगा। और ये कहा जा रहा है कि ये तेजस्वी का यानी लालू परिवार का 200 डीट पकड़ा रहे, किसको बेवकूफ बना रहे हो यार। हम चुनौती के साथ कर सकते हैं, कल जितना भी रेट पड़ा तेजस्वी का एक भी डीड नहीं पकड़ा गया, एक भी डीड नहीं पकड़ा गया है। मेरा जो है वो एफिडेविट में है, सार्वजनिक है, लेकिन कुछ लोग यही काम कर रहे हैं। और आपको हम क्या क्या बता, बिहार है, उनको तो इतना समझ होना ना चाहिए जो ये लोग खेला करना चाहते हैं। जंगल राज, जंगल राज, हम तो कल पूछे कौन सा तिलिस्म है भाई तुम्हारे पास, व्हेन बीजेपी इज इन इट्स मंगल राज, व्हेन बीजेपी इज आउट इट्स जंगल राज। सब परसेप्शन, अफवाह, एजेंडा। असल में मेन मुद्दे से ये लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब हम बार बार यहां तो नहीं बैठेंगे स्पष्टीकरण करने, ये लोग तो कुछ ना बोलता रहता है,
मतलब बेकार का काम में हम बैठे रहे कि हम चले नौजवानों को नौकरी देने। अब बताइए, अगर उस समय नौकरी मिली लड़में में तो कोई बुरी बात है क्या? कोई बुरी बात है? किसी ने कंप्लेन किया था क्या कि ऐसा बात है? अगर होता तो पहले ही ना सब कुछ हो जाता, तो ये अभी कैसे हो रहा है जांच? कैसे हो रहा है जांच? और हमारा जो चल रहा था 17 से IRCTC, क्या हो रहा है? उस समय भी बदनाम किया गया। तो हम तो उसलिए समझे कि भाई अब जरा पूछिए ना खट्टर जी पर कब रेट पड़ेगा। अरे भाई सूत्र तुम बता रहे थे, हम पूरा एविडेंस बता दिए मीडिया को कि पूरा वीडियो चलाइएगा जो दिखा रहे थे मेरा सूत्र में। पूरा वीडियो चलाओगे? है हिम्मत कि बीजेपी के सांसद, मुख्यमंत्री और मेयर जो है उसकी सराहना कर रहे जा CBI रेट पर दिए? क्या मतलब है? क्या मजाक बना रखा? तो हम चाहेंगे अपनी बातों को हमने रखा तत्पूर्ण रखा। अब बताइए कौन सा बड़ा जांच एजेंसी है देश का, सोच लीजिए क्या जांच करता है? खाली पॉलिटिकल, ओनली पॉलिटिकल वेंडेटा। विश्वास खत्म होता जा रहा है। विश्वास खत्म नहीं, अब खत्म तो हो ही गया। अब ये लोग तो जांच एजेंसी ना बन करके गुंडा में बदल गए हैं, भाजपा के प्रकोष्ठ में तब्दीली हो गई है। तो अगर इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है, सब बकवास नहीं है। पूरे मुल्क में हो रहा है, इसमें छुपा का भाई बात को तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ पत्रकार जो सूत्र के हवाले से सवाल पूछते हैं उस चीज को डाइल्यूट करना चाहते हैं। मतलब CBI को निष्पक्ष बता रहे हैं। अभी यार भैया ये सवाल है सर, एक सवाल है, एक सवाल है सर कि 90 में भी जब से आपकी सरकार बनी तो ये जंगल राज का आरोप लगा, और जब से आपकी सरकार बनी है नौकरी पर सवाल। हाँ भाई, हम 10 लाख लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं तो इनको जंगल राज लगा। क्या सर उसके लिए कोई तैयारी थी आपकी कि मतलब नहीं हो ही गया इससे रिलेटेड? इससे कैसे लड़ना? अरे भाई बदनामी होती है। अच्छा आप पूछिए, ऐसे ही लड़ना देखते हैं। धमकी नहीं है, हम बोले वो भी गरीब परिवार को तुम पीट रहे हो जो ग्रुप डी का है ना? तो आप भी जो आपको संरक्षण अब तक दिए हुए हैं, जिससे प्रमोशन हो रहा है, कभी आपके साथ खुदा ना खास्ता आप न्याय मांगने के ही चले जाइए, आपके साथ ही ऐसा हरकत हो जाए तो वो लोग बचाने आएंगे क्या? Ask them, or if they don't know, if they must have got confused, they should thank me, na? I have given all the proofs, and they should take action against the BJP chief minister, mayor, and MP. कौन कह रहा है? बीजेपी कह रही है, नीतीश से किससे? अरे वो कहाँ कहाँ थे, वो हमारे पार्टी में थे है ना, और फिर नीतीश जी के पार्टी में गए, फिर बीजेपी में गए, तो बीजेपी के लोग ना उनसे सचेत रहे। आप, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये कमिटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस विषय पर। किसी चलिए, अब तो सारा एविडेंस है, अब तो सारा खुल गया, कुछ वास्ता नहीं।